आदरणीय रंजन पासवान जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ जी, शिवकरण जी, उस्मान भाई, इस ग्राम के सम्मानित प्रधान डॉक्टर छिंदालाल जी, मोहित यादव जी, प्रधान नीरज जी, सुरेंद्र जी, हमारे यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, प्रधान दोस्तों, सैनिक शंकर जी, सम्मानित साथियों, आपने हमें आपसे मेले बनाया, एमपी बनाया, इसके लिए मंच की ओर से तो साथियों, उन चुनाव और इस चुनाव में जमीन आसमान का अंतर है। 10 साल पहले इस देश में मोदी जी आए, तब भी मैं चुनाव लड़ रहा था। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए। कांग्रेस ने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, विदेशों में काला धन जमा है, हमें गद्दी में बिठाओ, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। लोग संजय पाल साहब को तो एमएलए बना चुके, एमपी बना चुके, एक बार मोदी को देख लें ना, 15 लाख सही, 5-6 लाख अगर मिल गए तो 5 वोट है, 25 लाख तो ऐसे ही आ गए। तो आप लोग लालच में फंस गए। नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसानों से कहा हम आज 2 गुनी करेंगे, लोग फंस गए लालच में। ना 15 रुपए आए, ना 1 नौकरी मिली, ना किसानों की आय 2 गुनी, तो छोड़ो डीएपी और यूरिया की बोरी 10 किलो और कम हो। दिन भर खेतों में काम करो, रात भर जानवर रखाओ, किसान तो ऐसे ही दुगुनिया गए। तो इसलिए कहना चाहता हूं, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री झूठा साबित हो जाए आप जन में, फिर भी उसकी किसी नई गारंटी में वोट दोगे क्या भाई? जब एक भी गारंटी पूरी नहीं की, एक भी सपना सच नहीं साबित हुआ, तो हमें नए सपने में फंसने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ, अगर फिर किसी नई गारंटी में अगर हम फंसे, तो आने वाले समय में जो छुन्ना प्रधान बने बैठे, उस्मान बन चुके हैं, जिला पंचायत सदर, बीजीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, एमपी एमएलए हम बन चुके हैं। ये एमपी एमएलए बनना तो दूर, प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख पाओगे। इसलिए ये चुनाव बंटने का चुनाव नहीं है। दलित, पिछड़े, अकलियत, आदि आबादी, अगले समाज के वो लोग जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, जिन्हें बाबा साहब के संविधान पर भरोसा है, उन सबको एकजुट होकर इस तानाशाह को गद्दी से उतारने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट देने की अपील करने आए। तो इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अभी मोदी जी ने कहा है कि हमें आरक्षण में कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी एससी ओबीसी के आरक्षण पे दिलचस्पी का नहीं है, का मतलब है आरक्षण खत्म। और आरक्षण खत्म तो संविधान खत्म, समझे? इसलिए ये चुनाव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के बचाने का चुनाव है, ये चुनाव भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। और 5 किलो राशन को कृपा भीख समझ रहे हैं। 9 से 14 में आपने हमें एमपी बनाया था, 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल आया था, क्या कर रहा भाई? 2013 में आपने हमें एमपी 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल आया, भोजन के अधिकार का कानून 2013 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में पास हुआ। 5 किलो राशन का दाम 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया, जो 12-13 रुपए है। उस समय गैस सिलेंडर 300 का था, आज 1100 का है। तुम्हें 12-13 रुपए माफ करके
₹800 तुम्हारी जेब से एक गैस सिलेंडर में बैठे जा रहे हैं, आप समझ रहे हो कि फ्री का राज मिल रहा है। तो इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ, ये फ्री का राज कृपा और भीख नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है। 2 महीने के कट्ठे मिलने लगे, दूध देने लगे 1 किलो रोज, इसको अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, इसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं है। तो गाली देने का काम कर रहे हैं कि दलितों का वोट महिलाओं का वोट तो 5 किलो राशन में ले लेंगे, और ये भी डराते हैं कि अगर विपक्ष आ गया तो राशन बंद हो जाएगा। अरे राशन का कानून हमने बनाया है, कांग्रेस और समाजवादी ने बनाया है, जिसने पैदा किया वही बेटे को मारेगा कि जिसने पैदा नहीं किया वो मारेगा, क्यों नहीं? तो लोगों को मालूम नहीं, तो ये कृपा और भीख नहीं है, ये तुम्हारा अधिकार है, इसको खाने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने एक वोट का अधिकार देकर प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने बनाने का अधिकार तो दिया है, आज के बाद भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। तुम चाहो अगर दलित पिछड़े अकलियत आदि आबादी अग्र समाज के वो लोग जो संविधान से प्यार है, अगर इकट्ठे हो जाए तो इस देश की पार्लियामेंट में ऐसा कानून बन सकता है कि धन और धरती का बराबर का बंटवारा भी हो सकता है। लेकिन कोई जाति में फंस जाता है, कोई दल में फंस जाता है, कोई नई गारंटी में फंस जाता है। इसलिए ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ इन तानाशाह को गद्दी से उतारने के लिए, किसानों को बचाने के लिए, नौजवानों की जिंदगी बचाने के लिए, देश की बहुमूल्य संपत्तियां जो मोदी जी ने बेची है उन्हें बचाने के लिए। जहां तक अभी घोषणा पत्र कांग्रेस का आया है, कांग्रेस में तो हम लोगों ने 76,000 करोड़ कर्जा माफ किया था कि नहीं किया था किसानों का? किया था। फिर कांग्रेस इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि किसानों का जितना भी कर्जा होगा वो हम सब एक तरफ से माफ करने का काम करेंगे, बिजली का बिल माफ करने का काम करेंगे, और महिलाओं को जो हमारी 60 वर्ष से ज्यादा महिला है उनको 1 लाख रुपए पर ईयर पेंशन मिलेगी, हर साल 1 लाख रुपए दिया जाएगा, लड़कियों को 50,000 पढ़ने के लिए दिया जाएगा। तो हमने जो कहा है वो करने का काम किया है, लेकिन मोदी ने जो कहा है वो कोई काम करने का काम नहीं किया है। इसलिए आपसे निवेदन करने आए हैं कि अब मोदी जी की नई गारंटी में फंसने का काम नहीं करना, दलित पिछड़े अकलियत और बहन जी को भी इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। संविधान के तहत ही बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बन पाई थी, अगर संविधान न हो तो आज की तारीख में दलित को कोई प्रधान बनाना भी कुलदीप समझेगा? नहीं बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा। इसलिए इस चुनाव में हमें मटना नहीं है, बहन जी अपने को बचा रही है तो उन्हें अलग बचाने दो, अगर संविधान रहेगा तो बहन जी भी रहेगी, और संविधान इंडिया गठबंधन बचा रहा है तो उसका कोई बचाने लायक नहीं। इसलिए इंडिया गठबंधन में माननीय अखिलेश जी और माननीय राहुल जी जिस दिन से गठबंधन किया है उस दिन से आदरणीय मोदी जी का सिंहासन हिलना शुरू हो गया है। वो माननीय अखिलेश यादव के खिलाफ CBI जांच चलाना शुरू कर दिया, चाहे CBI से जांच कराओ, चाहे ED से जांच कराओ, चाहे IT से जांच कराओ। अब ये दो नेता न डरने वाले हैं न रुकने वाले हैं, इस तानाशाह को गद्दी से उतार करके गुजरात भेजने से पहले रुकने वाले। तो इसलिए हम सभी से अपील करने आए हैं कि आज खेत खलिहानों में काम करते हो, अगर चाहते हो कि आने वाले नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिले, अगर चाहते हो किसानों की खेती सुरक्षित रहे, अभी 400 एकड़ में डिफेंस कॉरिडोर बना है, किसानों को 4 गुना मुआवजा तो मिल गया, लेकिन तुम्हें पता है वो सरकार की जमीन नहीं है, उसको 1 रुपया बीघे के हिसाब से 99 साल के लिए अडानी को दे दी है, वहाँ गेट पर लिखा है अडानी की नहीं देखा है? लिखा है, लिखा है। ये पूरा देश है अडानी अम्बानी को दिए रहे, पूरे देश को भिखारी बनाने का काम करते हैं। इसलिए साथियों आने वाली 13 तारीख में, मैं तो आपके बीच में लंबे समय से हूँ, चुनाव चिन्ह साइकिल है, साइकिल की बटन इतनी तेज दबाओ कि अगर रास्ते में कमल का फूल कहीं दिख जाए तो टायर के नीचे आके हमेशा हमेशा के लिए धूल धूसर हो जाए।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।